लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। तथ्यात्मक खबर छापने और खबर को सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करने पर बोखलाए कोतवाल ने पत्रकार से अभद्रता कर जूते से पीटने की बात करते हुए धमकी दे दी। बता दें कि बीसलपुर कोतवाली में थाना इंचार्ज केशव कुमार तिवारी ने पत्रकार संतोष गंगवार पर अपना गुस्सा उतारा है। संतोष गंगवार ने बताया कि गांव अमृती के एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन 3 दिन बाद भी उसको जेल नहीं भेजा गया। जिस मामले को पत्रकार द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को सूचना दी कि इस बात से गुस्साए कोतवाल ने कोतवाली में पत्रकार की जमकर फजी हद की। उक्त घटना के बाद पत्रकार ने रोष व्यक्त किया। अब देखना यह है क्या अधिकारियों को सूचना देने वाले पत्रकारों पर भी बीसलपुर पुलिस अपना रोब दिखाएगी। पीलीभीत से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। सुबह के टाइम पे मेरे पास एक महिला आई थी जिसने अपनी पूरी घटना की स्थिति बताई थी। उस घटना की स्थिति जानने के लिए मैं उसके गाँव अमृती तहसील फरीदपुर जिला बरेली पहुँचा। जब वहाँ मैंने जानकारी ली तो वहाँ के कई लोगों ने ये जानकारी दी कि इनके जो पति थाने के अंदर बैठे हुए हैं वो निर्दोष हैं। वहाँ के ग्राम प्रधान से भी मेरी बात हुई तो ग्राम प्रधानों ने जब मुझसे जब कहा कि ये महिला के पति जो हैं वो निर्दोष हैं और किसी तरह से इनका मतलब जेल जाना और मतलब इनके साथ कार्रवाई होना, इनके साथ अभद्रता होना, ये गलत है। तो मैंने इस संबंध में जब मैं वहाँ पर आया तो मैंने उनकी पूरी बात जानने के बाद मैं बीसलपुर थाने में नहीं पहुँचा। थाने में ना पहुंचने से पहले मैंने एक खबर को, इस घटना को ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद मैं बीसलपुर में, बीसलपुर कोतवाली में 3 बजे के लमसम में खबर कवरेज करने के लिए पहुंचा था। खबर जब मैंने कवरेज करने से पहले वहां पर कोतवाल केशव कुमार तिवारी ऑलरेडी बैठे हुए मौजूद थे। उन्होंने मुझे अंदर जाने से पहले रोक लिया। रोकने के बाद मुझसे उसी संबंध में बात की कि ये खबर किससे पूछ के ट्वीट की, किससे संबंध में बात की, आपने मेरा वर्जन नहीं लिया, आपने मुझसे बात नहीं की, ये खबर पीड़ित के कहने पे ट्वीट की गई है। बल्कि उस खबर में जो मैंने ट्वीट किया, ट्वीट करने पे उन्होंने सीधे सीधे महिला ने जो आरोप लगाया वो आरोप लगाया कि मेरे पति को 3 दिन से थाने के अंदर बैठा रखा है और 3 दिन में मुझसे कहा गया है कि 20,000 रुपये का बंदोबस्त करो। बादी 20,000 रुपये का मांग रहा है, उसकी भैंस चोरी हुई है। 20,000 रुपये बादी ने मांगा या प्रतिवादी ने मांगा, ये चीज की पुष्टि नहीं हो पाई। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।